टेंडर पे बाद में शुरू हुआ, 2005 में शुरू हुआ था इस पे। अच्छा। लेकिन ये ज़्यादा बहुत बेहतर टेक्नोलॉजी है ना, ये राफेल से वैसे तो मजमू बेहतर है। तो अगर आप गूगल पे जाएं J10 टाइप करें तो आपको इंडियन वेबसाइट ज़्यादा मिलेंगी जिनको J10 की टक्कर। इस वीडियो में बात हो रही है पाकिस्तान की मीडिया में राफेल विमान के काउंटर में पाकिस्तान ने खरीदा है चाइना से J10। J10 के बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा और जो ये कंपैरिजन है उसके बारे में भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। आप पहले पूरा वीडियो एंजॉय करिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को देखते हैं। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा इस कंपैरिजन के बारे में अपना रिएक्शन। हारून साहब, J10 लड़ाका तैयारे पाकिस्तान के अंदर, इनकी शमूलियत हुई पाकिस्तान फिजाइया के अंदर, इंडियन मीडिया की बुखलाहट की वजह क्या है, क्या मामला है? नहीं, बुखलाट रही है, वो प्रोपेगंडे का एक दायम बरकरार रहने वाला सिलसिला है। देखिए, उन्हें बहुत पहले सुनगुन मिल गई थी। अच्छा। बातचीत तो कई बरस से जारी थी ना, मगर ये कि वो ये बाज टेक्नोलॉजीज होती हैं कि मुल्क किसी को देने नहीं चाहते, दोस्त ममालिक को भी नहीं देने चाहते। ये तो जब उनकी लद्दाख में झड़प हुई तो उसके बाद उन्होंने फैसला किया। दिलचस्प बात यह है कि इस तैयारे पर काम पहले शुरू हुआ था, J10 पे, टेंडर पे बाद में शुरू हुआ, 2005 में शुरू हुआ था इस पे। अच्छा। लेकिन ये ज़्यादा बहुत बेहतर टेक्नोलॉजी है ना, ये राफेल से वैसे तो मजमू बेहतर है। तो अगर आप गूगल पे जाएं, J10 टाइप करें तो आपको इंडियन वेबसाइट ज़्यादा मिलेंगी जिनको J10 की टेक्नोलॉजी और वगैरह वगैरह पे बहस। और एक बड़ी दिलचस्प बात वो कहते हैं, बेकार तैयार है जी, पैसे हैं नहीं इंडिया के पास, तो चीन से लिए हैं। अगर इनके पास पैसे होते, अगर इनकी इकोनॉमी ठीक होती और अगर इन्हें सूझबूझ होती तो ये जनाब राफेल तैयारे खरीदते, फलां खरीदते। राफेल से ये डेफिनेटली बेहतर है। क्या कंपैरिजन जरा करें, मैं अर्ज करता हूँ, बाज चीज़ों में राफेल बेहतर है। वो तो देखिए ना, हर तैयारे की, जैसे हर गाड़ी की अपनी नोयत होती है, कार की स्पेसिफिकेशन होती है। अच्छा, वो कुछ खूबियां होती हैं, कुछ खामियाँ होती हैं। मतलब ये किस चीज़ में बेहतर है, ये रफ्तार इसकी ज्यादा है, ये ज्यादा दूर तक जा सकता है, 3700 किलोमीटर तक जा सकता है। अच्छा, ये इसमें ये 4.5 जनरेशन है, यानी फिफ्थ जनरेशन नहीं है, 4.5 ये फोर्थ जनरेशन है जो थंडर है। फिर ये है कि ये ज्यादा फ्यूल ले जा सकता है, ज्यादा गोला बारूद ले जा सकता है, जो भी बम मिसाइल जो भी चीजें हैं ज्यादा ले जा सकता है। अच्छा, दो राफेल एक लिहाज से बेहतर है कि उसमें 14 पॉइंट्स हैं, यानी जिसमें आप गन लगा सकते हैं, मिसाइल लगा सकते हैं, इसमें 11 टारगेट को हिट करने के लिए 14 हिस्से। टारगेट को हिट करने की सलाहियत इसकी ज्यादा है, अहम तरीन बात यह है। अच्छा, टारगेट को हिट करने की सलाहियत, ये नहीं, अभी फिफ्थ जनरेशन नहीं है। फिफ्थ जनरेशन वो होती है जो रडार आमतौर पर डिटेक्ट नहीं कर सकता, जो आमतौर पर रडार है वो नहीं डिटेक्ट, वो कुछ स्पेशल रडार हो तो, यानी वो तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है ना, कि बहुत पता नहीं पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल वैसे मौजूद हैं कि जो ट्रेस नहीं, अमरीकियों ने भी कोशिश की थी ट्रेस करने की, जब जनरल मुशर्रफ के ज़माने में फौजें आमने सामने आखड़ी हुई थी तो पता नहीं चल सका था। पाकिस्तान अपना दिफा करने की पूरी सलाहियत रखता है, अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी सलाहियत रखता है। ठीक है हारून साहब, JF-17 थंडर जब पाकिस्तान के पास मौजूद हैं तो J10 को खरीदने का मकसद क्या था? उससे बेहतर है ना, वो हल्का तैयारा है इसके मुकाबले में, उसकी स्पीड इससे कम है। अच्छा, और उसमें असला कम ले जाया जा सकता है। अच्छा, एक बुनियादी फर्क यह है, बहुत 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 लंबी डिटेल हो जाएगी उसमें, नहीं मैं पढ़ना चाहता, मैंने वैसे उस पर स्टडी तो सारा कर लिया था। बात यह है, पायलट मैन बिहाइंड द गन, पायलट में कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तानी पायलट का, इंडियन से तो क्या, इंडियन से तो वो क्या नाम था उसका जो चाय पिला के भेज दिया था, अभिनंदन है, अभिनंदन से बेचारा, ये वो कौम है ना, अभिनंदन को भी अवार्ड दिया है बहादुरी के ऊपर, ये खुद को खुद फरेबी की कोई हद है। इंडियन पायलट से तो हमारा क्या मुकाबला, वो तो रिकॉर्ड की बात है ना, 65 में क्या हुआ था, 71 की तो एक सूरत हाल ही मुख्तलिफ थी। इजरायली पायलट सेकंड बेस्ट समझे जाते हैं या कुछ और, उससे सिर्फ 10-20% बेहतर नहीं। आपको पता है कि सीरिया जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तानी पायलटों को भेजा था जब सीरिया पे हमला किया इसराइल ने, और वो इसराइली भूल नहीं सके उस बात को, MM आलम साहब गए थे जी, और किसको, भुट्टो ने अपने सियासी मुखालिफ जनरल सरफराज को भेजा था
व्हाट फायर उसको सफीर बना, जनरल सरफराज और लाहौर की सरहद पे। मैंने उनका जो मैंने चंद पहले इंटरव्यू किया उसमें एक जनरल सरफराज का था, तो एक बड़ा खूबसूरत फकरा उन्होंने कहा था, लाहौर के खूबसूरत चेहरे पर एक खराश भी मैंने आने नहीं दी। तो लाहौर का बड़ा अच्छा दिफा किया था, बड़ी उनकी रिस्पेक्ट थी। तो उन्हें किस लिए भेजा गया था वहाँ, सीरे किस लिए भेजा गया था? दरअसल तो वो फौजी मशीर थे ना, मशवरे उन्हें देते थे। और बहुत से मुल्क हैं, मिस्री कहते थे 74 में, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी इसराइल के खिलाफ, लेकिन वो ब्रिगेडियर सुल्तान साहब एक दफ़ा ले जा उन्हें ले गए थे, तो बड़ी मेहनत समाजी तो उन्होंने की कि इनको छोड़ दें यहाँ, इनको भेज दें। तो उन्होंने कहा नहीं, ये ऐसा आदमी नहीं है जो किसी की फरमाइश पूरी करे, हमारे नहीं सुनता तो आपकी क्या सुनेगा। ठीक है, सवाल एक और है अरुण साहब, वो थोड़ा सा पॉलिटिकली हो जाएगा। 23 मार्च को शेख साहब ने कहा है कि शानदार मुजाहरा किया जाएगा, दुनिया के सामने पाकिस्तान के सामने लाया जाएगा, 25 जी, जो पूरा एक स्क्वाड्रन फ्लाई करेगा। मगर 23 मार्च को तो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बाहर निकल रहे हैं, मेहमानी मार्च निकल रहे हैं ना, वो भी देख लें उसको, वो सियासत अपनी जगह होती रहती है। 23 मार्च को तो परेड होगी, वो भी इस्लामाबाद ही आएंगे। और आपको पता है उसका नाम क्या रखा गया है, वो जो स्क्वाड्रन है उसका एक नाम रखा गया है, बताइए, इधर शोला फिशा। अच्छा, आग उगलने वाला अजदहा, नाम बड़े अच्छे रखते हैं, जबरदस्त नाम तो बड़ा है। देख ना, जरबे आजम और ये जो भी नाम रखते हैं, नाम बड़े अच्छे रखते हैं। चलिए, ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है कि पाकिस्तान के दिफा में एक और जबरदस्त इजाफा हुआ है। और उनसा मगर एक और भी दुश्मन है जिससे हमें मुकाबला करना है, और वो है कोविड के हवाले से। ये तो हम ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया का ये पत्रकार बात कर रहा है, कंपेयर कर रहा है राफेल को J-10 से। आपको बता दूं हाल ही में पाकिस्तान के पास 25 J-10 विमान आएंगे, फाइटर जेट है, ये चाइना से लिए हैं पाकिस्तान ने, और इसे अमेरिका क्लेम करता है कि ये पूरी तरह से F-16 की फर्स्ट कॉपी है, और F-16 के जैसा इसका लुक भी है, और F-16 पहले से पाकिस्तान के पास मौजूद है, अमेरिका ने दिए थे टेररिज्म से लड़ने के लिए मुफ्त में। तो दोस्तों, ये जो J-10 है, आपको बता दूं कि अब पाकिस्तान की एक मजबूरी भी रही, क्योंकि पाकिस्तान चाइना के अलावा अगर खरीदता तो किससे खरीदता, या तो फ्रांस से खरीदता, या तो जर्मनी से खरीदता, या तो रशिया से खरीदता, या तो अमेरिका से खरीदता। लेकिन आपको पता है फ्रांस तो देता नहीं, जर्मनी भी भारत के साथ बहुत फ्रेंडली कंट्री, अमेरिका के पास ये किस मुँह से जाएंगे, और रशिया इंडिया से अगर हथियार, ऐसी डील होती है कि अगर भारत रशिया से हथियार खरीदता है तो फिर पाकिस्तान या जो पड़ोसी देश है उनको वो नहीं बेचता है, तो आप समझ सकते हो। तो भारत ऐसी डील करके चलता है, तो अब इसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा, और अगर ऑप्शन होता भी तो ये पैसे नहीं थे इसके पास चीन के साथ। अब ये इसके सामने ये डील, मतलब किसी के सामने आई नहीं है कि इसने ये हथियार खरीदे कैसे, किस डील से खरीदे, कितना पैसा, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, या चीन ने इनको गिफ्ट किए हैं। हालांकि चीन को भी पता है कि चीन ये गिफ्ट करेगा तो चीन की आर्मी को इनडायरेक्टली इससे फ़ायदा होगा, अगर कुछ होता है क्लैश तो यहाँ से ये विमान, वहाँ से चीन, भारत आपको पता है बीच में है, तो समझ सकते हो आप, तो चीन शायद दे भी सकता है। तो दोस्तों, ये विमान जो 25 आने हैं इनके पास फाइटर जेट, इसका ये शो 25 तारीख को करेंगे, अभी 25 जो आने वाली है, और 25 आई थिंक नेशनल डे है, जो मुझे पता नहीं, 23 मार्च को करेंगे शायद, या 25 मार्च जैसा कुछ डे है, इस वीडियो में आप देखिए, देखा होगा आपने, तो आप समझ सकते हो अब इनकी मजबूरी। और ये जो फाइटर जेट है, इनको ये इनका कंपैरिजन हो रहा है राफेल से, आपको भी पता है राफेल की कैपेसिटी क्या है, और राफेल किस वजह से दुनिया में इतना फेमस है, और इनको ये J-10 को ये कंपेयर कर रहे हैं राफेल से। हालांकि आपको बता दूं कि इंडिया ने अभी हाल ही में S-400 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो रशिया से हमने लिया है, इंस्टॉल किया है पंजाब में, जो कि दोनों पाकिस्तान और चीन के विमानों को काउंटर करेगा। और अभी वो और भी आने हैं, 5 आने हैं बेसिकली हमारे पास, 5 में से ज़्यादातर बॉर्डर पर रहेंगे, 2 शायद एक मुंबई, एक दिल्ली में रहेगा। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, उन डिफेंस सिस्टम की आप ताकत के बारे में समझे, उस अगर वो इंस्टॉल हो गए तो ये फिर विमान जीरो हो जाएगा, पाकिस्तान की एयरफोर्स जीरो हो जाएगी। हालांकि इंडिया की एयरफोर्स के साथ भी सीन चाइना में यही रहेगा, क्योंकि चाइना के अंदर जो चाइना की भारत के साथ बॉर्डर है वहाँ पर भी ये S-400 इंस्टॉल है, मतलब दोनों बॉर्डर में इंडिया की तरफ से भी S-400 इंस्टॉल है, पाकिस्तान चीन की तरफ से भी S-400 इंस्टॉल है। तो इनका काम ही है कि जो बॉर्डर के अंदर जो मिसाइल या हवाई जहाज या फाइटर जेट घुसते हैं उनको हवा में ही गिराने का काम है। दोस्तों, ये वीडियो खत्म होता है, आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़